कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है, हमें गिवन है एक फंक्शन दैट इज सिग्नम फंक्शन, जो आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं अबाउट सिग्नम फंक्शन. तो देखते हैं क्या गिवन है. एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, सॉरी पहले -1 लिख लेते हैं, -1, 0 एंड 1, ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं. इन्होंने भाई 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है. और अगर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एफ एक्स 0 आ जाएगा. और अगर एक्स नेगेटिव है तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा -1. ये है सिग्नम फंक्शन. कौन सा फंक्शन है ये, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है. अब देखते हैं कि क्या ये 1-1 एंड ऑन टू है या नहीं है, ठीक है. वैसे तो ये 1-1 एंड ऑन टू नहीं है, हमें देखकर ही पता चल रहा है कि जितनी भी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन सब के लिए एक ही इमेज दे दी इन्होंने, ठीक है, दैट इज +1. और नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए सिर्फ एक इमेज दे दी. तो भाई 1-1 तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि 1-1 क्या होता है. 1-1 वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक अलग एलिमेंट के लिए एक अलग इमेज हो. यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है. सेकेंड थिंग ऑन टू, यहाँ पर ये जो सेट है हमारा कोडोमेन जो है वो है R, रियल नंबर्स का सेट. रियल नंबर्स में कितने सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट. इन्होंने जो हमारे पास रेंज दिया है जिसमें जो वैल्यूज आ रही हैं इमेजेस, सिर्फ 3 रेंज सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं. तो जो बाकी बच गए जैसे कि 2, 3, -1, -2 या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शंस में, उन सब की कोई प्री इमेज ही नहीं है, राइट. तो ये ऑन टू भी नहीं होगा. तो प्रूव कर लेते हैं. हाँ, इसमें लिखा हुआ है इज नीदर शो दैट एफ इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू. मतलब इन्होंने तुमको बता दिया है, हमें ये बता दिया है क्वेश्चन में ही कि भाई ये ना तो 1-1 है ना ही ऑन टू है, और अब आप इसको शो करो कि ये 1-1 और ऑन टू नहीं है, ठीक है. तो कर लेते हैं शो. कैसे करेंगे, सबसे पहले 1-1 करेंगे कि 1-1 है या नहीं है, ठीक है. 1-1 के लिए इसको एक काम करते हैं, थोड़ा उस तरफ करेंगे. 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं और बता देते हैं भाई उसकी इमेज जो है वो सेम ही है ना. तो मैं ले लेती हूँ 2 एलिमेंट्स, क्या क्या ले लेती हूँ. x1 मैंने ले लिया है 1 और x2 मैंने ले लिया है 2, ठीक है. दोनों मैंने कैसे ले लिए, पॉजिटिव. इसमें हम डिफरेंट केसेस भी ले सकते हैं, 3 केसेस हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट केस तो होगा दोनों पॉजिटिव हों, सेकंड केस दोनों नेगेटिव हों वैल्यूज x1 और x2 की, या फिर अलग अलग ले लें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से भी कर सकते हैं. बट मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये 1-1 ऑन टू नहीं है. और जब ये प्रूव करना होता है कि 1-1 ऑन टू नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी कंडीशन, तो अगर हमने एक भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिसके लिए वो सेटिस्फाई ना करता हो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं 1-1 की, तो हमारा क्वेश्चन जो है या जो भी हमें सॉल्यूशन में प्रूव करना है वो प्रूव हो जाता है. तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे सिंपल सा, चाहे आप चाहें तो 2 पॉजिटिव के पॉजिटिव नंबर्स ले लीजिए, चाहे तो आप 2 नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया x1 एंड x2. यहाँ पर हमारे पास x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, हमारे रियल नंबर्स के सेट से, राइट. अब बात करते हैं f(x1) की.
यानी कि एफ ऑफ वन की. एफ ऑफ वन क्या है? वन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसकी इमेज वन आ जाएगी. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू. यहाँ पर मैंने आ गया आंसर फिर से वन. क्या आ गया? वन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर पॉजिटिव आप लोगे तो आपका वन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू. यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स वन तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स टू के, लेकिन एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल नहीं है. अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस इम्प्लाइज इट इज, या फिर एफ इज नॉट वन वन. एफ जो है वो वन वन नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट ऑन टू. क्या बात करने वाले हैं हम? ऑन टू के बारे में, कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है. नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? मैंने ले लिया वाई जो बिलोंग करता है आर से. यहां मैं प्रूव कर रही हूं अबाउट ऑन टू. ठीक है, वाई बिलोंग करता है रियल नंबर्स के सेट से. लेट अस टेक सम y. मैंने ले लिया y 2. क्या ले लिया? प्लस 2, राइट. सो देयर इज नो x बिलोंग्स टू r सच दैट fx का मतलब है, fx ही लिख देते हैं, सच दैट fx इज इक्वल टू टू. मतलब टू के लिए हमारे पास कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हमारा वाई टू है, यहाँ पे देखो ये तीन ही इमेजेस हैं, सिर्फ इन तीन के लिए ही प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं. अगर मैं इनके अलावा कोई भी नंबर लूंगी, कोई भी रियल नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, या फिर 2.5, 2.6, या फिर नेगेटिव में भी ले सकते हैं -2, -3, तो उन सब में से किसी के लिए भी हमारे पास प्री इमेज नहीं है. तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू. एफ जो है हमारा वो कैसा है? ऑन टू नहीं है. यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, वो ना तो ऑन टू है ना ही वन वन है. सिग्नम फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा. ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, राइट. यहाँ पर जीरो जब भी होगा, x की वैल्यू जीरो जब भी होगी, तो हमारे पास पॉइंट होगा कि भाई आंसर भी हमारा जीरो आ जाएगा, राइट. ये मैं वन ले लेती हूँ, ये -1, क्योंकि ये y की वैल्यूज हैं, राइट. ठीक है, अब x की इसके बाद पॉजिटिव साइड पे कुछ भी वैल्यू हो, x की वैल्यू चाहे मैं 1 ले लूँ, चाहे मैं 2 ले लूँ, चाहे 3 ले लूँ, हमेशा यहाँ पर 1 आएगा, है ना. तो ये इस तरह से बन जाएगा फंक्शन. ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल आएगा सिर्फ 0 पे छोड़ के, बाकी सब जगह क्या होगा हमारे पास? ये लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही है कि एक्स की आप वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू ले लो एक्स की, चाहे पॉइंट में भी ले लो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू, उस पर वाई की वैल्यू वन ही रहेगी. इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो -1 ही रहेगी. नेगेटिव साइड पे अगर हम चलेंगे एक्स में, अगर -1 ले लूँ वैल्यू, -2 ले लूँ मैं, -3 ले लूँ, तो क्या होगा हमारे पास? इस तरह का ग्राफ आएगा, इन सब के लिए वैल्यू -1 ही रहेगी. तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये हो गया ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है. ठीक है, ये था हमारा सिग्नम फंक्शन. तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमने क्या देखा है? हमने देखा
कि सिग्नम फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन या फिर एक फंक्शन हमने लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीनों ही फंक्शन हमारे ना तो ऑन टू होते हैं ना ही वन वन होते हैं. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का.